बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बोनलेस चिकन की कढ़ाई, और मैं जो हूँ लेग एंड थाई से बना रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ब्रेस्ट बोनलेस से भी बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बोनलेस है तो इसलिए हम इसको जो है वो पुलाव के साथ सर्व कर रहे हैं। आप इसको नान, चपाती और अगर पराठा जो भी आपको पसंद हो, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपी है, बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है और बड़े ही झटपट बन जाती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ये करना है कि आज मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बोनलेस की कढ़ाई आपको बता रहा हूँ, बोनलेस चिकन की कढ़ाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तकरीबन 1 किलो चिकन है, तो मैंने इसमें तकरीबन आधा कप तेल डाला। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ठंडे तेल में लहसुन अदरक जो है पिसा हुआ वो पहले डाल देंगे, उसको ज़रा सा भूनेंगे। तो ये मैंने डाला 2 टीस्पून लहसुन और 2 टीस्पून अदरक पिसा हुआ। ये मैं आपको 1 किलो का हिसाब बता रहा हूँ, 1 किलो चिकन का। बाकी आप जिस तरह से जितना बढ़ाएं उस हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, इसको ठंडे तेल में डालते ही सही है कि अगर आप गर्म तेल में डालेंगे तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा उड़ेगा तेल जो है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा तेल ठंडा हो उसी वक्त डाल दीजिए, क्योंकि तेल तो गर्म हो जाता है और फिर उसको जो है वो भूनना है। अच्छा, जैसे ये थोड़ा सा भून जाए तो इसी वक्त मैं इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालूँगा। कड़ी पत्ता इसलिए डालते हैं कि इसमें फिर कढ़ाई में आपकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और ये मैं आपको थोड़ी सी क्योंकि बोनलेस की बता रहा हूँ तो उसके हिसाब से चीज़ें हम कर रहे हैं। तो बस ये इतना फ्राई करना था हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा चिकन है वो हम ऐड कर देंगे। अब तेल के अंदर जो है वो लहसुन अदरक कड़ी पत्ता सब चीज़ की खुशबू जो है वो शामिल हो गई है। तो ये वाली जो कढ़ाई बनती है ये बहुत मज़ेदार बनती है इसी वजह से। अच्छा, मैंने जो है वो लेग एंड थाई वाला बोनलेस लिया है। आप इसको ब्रेस्ट पीस जो होता है बोनलेस उससे भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप। लेकिन मैंने लेग एंड थाई लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा इससे बनाना है। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन डाल के उसको पहले भून लिया तेल में, और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कड़ी पत्ता डाला। कड़ी पत्ता डालने से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है आपकी कढ़ाई में, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें डालूंगा तकरीबन 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, कच्चा धनिया और ज़ीरा भुना हुआ नहीं है, ये कच्चा धनिया और ज़ीरा है कुटा हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि मसाला जो है वो हमारा साथ साथ ये भून रहा है इस तरह से, वो हमने इसमें डाला। अब मैं इसमें डालूंगा 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून किसी भी लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब आप देखें इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत होती जा रही है। हालांकि अभी हमने इसके अंदर टमाटर भी डालना है, टमाटर में इसको हम पकाएंगे। चूल्हा फुल पर है, चूल्हा मैंने हल्का नहीं किया। अब मैं इसमें डालूंगा नमक, नमक डलेगा हर ज़ायका हमेशा की तरह, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब आप इसकी शक्ल भी देखें कितनी खूबसूरत हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। चूल्हा जो है वो मैं लो टू मीडियम कर दूंगा और इसको ढक के हम पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और उनमें ग्रेवी बन जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, टमाटर के टमाटर मैंने कितने डाले थे। इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर डाले हैं।
अच्छा, चूल्हा जो है वो अभी हम लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि हमें टमाटरों को अच्छे से गलाना है। उसके बाद अगर आप देखें कि उसमें पानी है तो आप थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ करके भून सकते हैं, लेकिन अभी हम चूल्हा जो है वो लो टू मीडियम रखेंगे ताकि वो अच्छे से पानी अपना पूरा टमाटर जब वो गल जाए और उसकी ग्रेवी बन जाए। तो बस जैसे वो गलता है उसके बाद जब मैं अगला कुछ प्रोसेस करता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तकरीबन 15 मिनट हो गए टमाटर जो है वो उसके अंदर देखे चढ़ाए हुए। ये देखें, इसने पूरा पानी छोड़ दिया और टमाटर जो है वो गल चुका है। अब हम इस वक्त जो है क्या करेंगे, इसको बहुत थोड़ा सा तकरीबन 1/4 teaspoon गरम मसाला डालेंगे और ये वही वाली हरी मिर्चें हैं जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ जो पाकिस्तान से आती हैं और हम इनको फ्रीज़ करके रख लेते हैं ताकि जब हम इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो उसमें इसको इस्तेमाल करें। हाँ, 1/4 teaspoon मैं इसमें डालूँगा काली मिर्च और बाकी अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा कतरा हुआ अदरक डालेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा पकने देंगे, अभी पानी हमें इसका ड्राई करना है। तो अब इसको मैंने बस बंद करके अब पकने दूंगा और जब थोड़ी देर के बाद जब मैं इसको दोबारा खोलूंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, आप देखें 5 मिनट और हो गए, ये देखें हरी मिर्चें जो हैं वो कैसी फूल गई हैं। अच्छा, 1 tablespoon मैं अब इसमें डाल रहा हूँ लेमन जूस क्योंकि हम इसको दम पे रखेंगे। बहुत थोड़ी सी हम इसमें अभी डालेंगे कुचली हुई अदरक और हरा धनिया। अच्छा, मैंने कहा कि मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अब इसको दम पे रखने जा रहा हूँ, तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी क्योंकि कढ़ाई में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली जाती है। ये आपने इतनी थोड़ी सी 1 tablespoon लेके इसको हाथ से अच्छी तरह मसलना है और फिर इसको इस पर फैला और फिर हम इसको ढक देंगे और अब आँच में हल्की कर दूँगा ताकि ये दम पर चली जाए और फिर जब ये दम हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, इसके अब ये दम होने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो चुकी है और मैंने इसको हल्की आंच पे ही छोड़ दिया है, इसको ज़रूरत नहीं है मुझे जो है वो भुनने की ज़्यादा तेज़ आंच करके क्योंकि इसमें ऑलरेडी तेल इससे ऊपर आ गया। तो हमारी कढ़ाई जो है ये तैयार है, फुललेस की कढ़ाई जो मुझे आज आपको बता रहा था। तो बस अब मैं ये डिश आउट करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैं इसको डिश आउट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जनाब, हमारी जो बोनलेस कढ़ाई है चिकन की वो रेडी हो गई है, इसको आज हम पुलाव के साथ सर्व कर रहे हैं। वैसे इसको आप तंदूरी नान के साथ, पराठा, चपाती, सादे नान, गार्लिक नान, जिसके साथ भी आपको पसंद हो आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पुलाव के साथ भी खा के देखिएगा, ये बहुत मज़ेदार लगती है उसके साथ क्योंकि ये बोनलेस है, तो इसलिए हम इसको पुलाव के साथ सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी, बहुत आसान है, बहुत आराम से बन जाती है और आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अगली नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगे। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का बहुत ध्यान रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।